गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो टुडे इज़ माई बेस्ट डे। आज मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने जा रही हूँ और आज का मेरा ट्रिप है दिल्ली टू गोवा। और मैं अब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेके कि मतलब फर्स्ट टाइम एरोप्लेन भी देखना है इतने करीब से और उसमें बैठना भी है। सो आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. So guys, मैंने आज का सफर स्टार्ट करा है दिल्ली मेट्रो से। और ये दिल्ली मेट्रो का सफर मुझे आज इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था ना कि लाइक आज तो मतलब प्लेन में बैठना ही बैठना है। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मुझे प्लेन में जाना है, जो कि सबके बचपन का ख्वाब होता है कि हम कब प्लेन में जाएंगे। बस बचपन में तो हम नीचे से ही देख देख के खुश हो जाते थे कि वाओ प्लेन जा रहा है, वाओ प्लेन जा रहा है। सो आज मैं फाइनली प्लेन में बैठने वाली हूँ और मेरा ये स्टार्ट सफर होता है दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से। उसके बाद मैं सीधा टर्मिनल 2 पे उतरी जहाँ से मेरी फ्लाइट थी। Oh my God, look at this airport, ये कितना ही ज़्यादा बड़ा है। So firstly, यहाँ पे lounges हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और वेट कर सकते हैं। बट स्टिल मेरे से तो सबर ही नहीं हो रहा, इसलिए मैं तो डायरेक्ट जा रही हूँ चेक इन कराने के लिए। एंड लेट्स गो। और वाओ, वॉट अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, कितना ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आके फुल VIP लुक आ रही है एंड देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर है ये एयरपोर्ट। बहुत बड़ा भी है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो और ज्यादा हाई हो रहा है क्योंकि मुझसे सबर नहीं हो रहा है एरोप्लेन में बैठने का। और देखो अभी तो मतलब टाइम है, मेरी फ्लाइट कुछ 10:25 की है और लेट्स गो। सो यहाँ पे इतना कुछ है ना देखने के लिए इस एयरपोर्ट में कि अगर मैं यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन ये एयरपोर्ट खत्म नहीं होगा। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, अभी तो गोवा जाना है। चलो फटाफट से चेक इन कराते हैं एंड अंदर जाते हैं। और मैंने अभी वाटर बॉटल भी अपनी भर ली है एंड लेट्स गो। गाइज, दिल्ली टू गोवा की फ्लाइट टिकट्स का प्राइस कुछ 6000 समथिंग है। अगर आप थोड़ा पहले करवाएंगे तो आपको और सस्ती पड़ जाएगी। और ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो लाइफ टाइम मेमोरीज बनने वाला है। सो लेट्स गो इन द एरोप्लेन। देखो देखो, ओ माय गॉड, कितने बड़े बड़े एरोप्लेन्स हैं। इतने बड़े बड़े, मैंने फर्स्ट टाइम इतने पास से एरोप्लेन्स देखे। मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना और ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना कि यार वाह, ये मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठने वाली हूँ। क्या मैं सच में बैठने वाली हूँ? जस्ट वाह। ये सबसे पहले हमारा वेलकम होता है जो एयर होस्टेस करती है एंड आराम से हम अपनी सीट पे बैठते हैं। मस्ट है कि आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए और टेक ऑफ के टाइम पे फ्लाइट मोड पे फोन कर लेना चाहिए। सो
एरोप्लेन में बैठते ही फील आ रही है कि वाओ, आज पता लगा हम भी वीआईपी हैं। धीरे धीरे ये प्लेन चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये धीरे धीरे चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है बस अभी हम जमीन छोड़ने वाले हैं। Oh my God, guys, जमीन छोड़ गई है सच्ची में। हम उड़ रहे हैं, मतलब मैं उड़ रही हूँ प्लेन में। गाइस, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कब था फ्लाइट में, कमेंट में जरूर बताएं। और जब प्लेन अपने लेवल पे आ जाता है यानी उड़ने लग जाता है प्रॉपर, तो पता भी नहीं लगता है कि कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम आराम आराम से चल रहे हैं, इवन चल रहे हैं ये भी नहीं पता लगता। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और स्टार्ट होते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिला है, जिसमें एक सैंडविच है, ये बिस्किट है, ये रियल जूस है, ये मिल्क है। सो लेट्स मेक अ कॉफी एंड एंजॉय। आज तो जिंदगी का स्वाद ही आ गया, पहली बार प्लेन में बैठ के उड़ते उड़ते मैंने अपनी लाइफ में कुछ खाया है। और इतने अच्छे व्यूज है ना, मतलब इतने ऊपर से तो व्यूज किसने ही देखे होंगे। आप सबने तो देखे होंगे, बट स्टिल मैंने फर्स्ट टाइम देखे है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो गाना गाने का मन कर रहा है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा वाला, मतलब माइंड में ना ये वाला गाना चल रहा है और स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस सीरियसली, मतलब ये तो ना लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है कि प्लेन में बैठ के मैं खा रही हूँ, फर्स्ट फ्लाइट है मेरी और इतने सुंदर सुंदर व्यूज है। मतलब हम बादलों में चल रहे हैं, इवन बादलों से ऊपर ही हो रहे हैं धीरे धीरे, और इतना मजा आ रहा है ना इसमें, बहुत मजा आ रहा है। और पता है फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ये विंडो वाली सीट ली और इतना अच्छा लग रहा है इस सीट पे बैठ के ना, लाइक बर्ड, मतलब बर्ड कैसे देखते है ना, आज तो बर्ड आई व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल प्लेन में बैठने के बाद भी जा रही है कि अब क्या आएगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस, कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है गोवा, और आज तो मजे ही मजे है बस। सो हम गोवा लैंड कर चुके हैं एंड देखो गोवा का एयरपोर्ट भी अच्छा है, बट ये थोड़ा सा स्मॉल है एयरपोर्ट, दिल्ली जैसे नहीं है। दिल्ली का तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और ये एयरपोर्ट ना आई थिंक एयरफोर्स के अंडर है, इसलिए छोटा है, बट ये बहुत अच्छा है। लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस तो लेने चाहिए ना, तो अलग अलग एयरपोर्ट भी देख लिए मैंने एक ही दिन में, वो भी दो। सो फटाफट से बैग लेते हैं एंड चलते हैं गोवा। एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट से। गाइस मैंने अपने बैग ले लिए हैं एंड एग्जिट कर रही हूँ मैं एयरपोर्ट से। सो फाइनली रीच इन गोवा। एंड उसके बाद यहाँ से हम करेंगे टैक्सी एंड टैक्सी लेके सीधा पहुंचेंगे होटल। फाइनली गोवा पहुंच गए और मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठी हूँ टैक्सी का वेट करने के लिए, एंड मुझे टैक्सी मिल गई है। गाइस फाइनली रीच इन होटल। सो आज का व्लॉग यही एंड होता है, और मैं आपको दिखाती हूँ अब
गोवा। इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको गोवा देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली हम नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आप कैसे घूम सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।